हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर का इस कदर अदब करते थे, मैं कहता हूं फनाफिर रसूल का दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाया, जिन्होंने अपनी जात को नबी की जात में फना कर दिया था, जिन्होंने तन मन धन की बाजी नबी की जात पर लगा दी थी, अपना माल जो कुछ भी उनके पास था सब नबी पर कुर्बान कर दिया था, अपनी औलाद को नबी की जात पर कुर्बान कर दिया था, इसी को कहते हैं फनाफिर रसूल। किसी की जात में फना हो जाना, इश्क के अंदर गुम हो जाना, अपने आप को मिटा देना, इसी चीज को कहते हैं सच्ची वफा। और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। आप अदब मुस्तफ़ा में एक अदब का वाक्य बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। एक मरतबा मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम किसी कबीले में ना वो लड़ाई हो गई, तो हुजूर सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम सुलह कराने के लिए गए, और जब उधर नमाज का वक्त हो गया मस्जिद में, तो सहाबा किराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अब हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर आप नमाज पढ़ाएं, क्योंकि हुजूर मौजूद नहीं है तो आप नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले थोड़ी देर इंतजार किया, जब हुजूर तशरीफ ना ला सके तो आप मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाने लगे। लेकिन जब आपने नमाज शुरू की, सहाबा किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो उधर हुजूर भी तशरीफ ले आए। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, सहाबा किराम ने हुजूर ने देखा, सफ़े बांधी हुई थी सहाबा ने, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम सफ़ों को चीरते हुए, यानी पहली सफ से इसी तरह या चार या पांच जितनी भी सफ़े थी उनको चीरते हुए हुजूर पहली सफ के अंदर आकर खड़े हुए। जब सहाबा किराम ने देखा कि हुजूर खुद तशरीफ ले आए, तो उस वक्त सहाबा किराम ने इस तरह हाथ बांधे हुए थे ना, तो हाथ के ऊपर इस तरह हाथ मारना शुरू किया। हाथ मारने का मकसद यह था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुतवज्जे किया जाए कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं, हुजूर आ गए हैं साफ के अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले तवज्जो नहीं की, क्योंकि आप नमाज के अंदर आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह ताला की इबादत की तरफ थी, आपने तवज्जो नहीं की। फिर सहाबा किराम ने जोर जोर से इस तरह हाथ मारना शुरू किया, जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया, यानी तालियों की आवाज बढ़ने लगी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे थोड़ा सा गौर किया, मुतवज्जे हुए, तो देखा कि हुजूर सफ के अंदर खड़े हुए हैं, पहली सफ में आकर तशरीफ ले आए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आप उसी वक्त मुसल्ले से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। जब हुजूर को देखा तो आप मुसल्ले पर कायम नहीं रहे, खड़े नहीं रहे, आप मुसल्ले से पीछे हटने लगे। मेरे आका ने हाथ से इशारा फरमाया कि नमाज पढ़ाओ, फिर हुक्म था नबी का, फिर मुसल्ले पर खड़े हुए, लेकिन फिर खड़े ना हो सके, फिर पीछे पिछले कदम फिर पीछे चलने लगे। तीन मरतबा मेरे आका ने इशारा फरमाया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर खड़े ना हो सके, आप फिर भी पीछे आकर सफ में खड़े हो गए। फिर मेरे आका आगे बढ़े, जाकर हुजूर ने जमात खड़ी की, हुजूर ने नमाज पढ़ाई। जब जमात मुकम्मल हो गई, नमाज पढ़ा ली, तो हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखकर फरमाया, अय अबू बकर, जब मैंने कहा था कि तुम मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाओ, तो फिर तुमने क्यों नमाज नहीं पढ़ाई, क्यों पीछे हट गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया, खुदा की कसम, हर जो नबी से मोहब्बत रखने वाला शख्स है, वो जब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये जवाब सुनता है तो उसका दिल कांप उठता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे को क्या लायक है कि वो नबी का इमाम बने? हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम था अबू कुहाफा, तो उन्होंने कहा कि अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल, उनकी क्या जुर्रत कि नबी के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ाए, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। मैं कहता हूं देखो, इस कदर कूट कूट कर इश्क और मोहब्बत भरी हुई थी सिद्दीक अकबर के अंदर।